हेलो फ्रेंड्स, चलिए अर्लियर का यूज़ देखते हैं। टुडे आई गॉट टू वर्क अर्लियर देन यू। यहाँ अर्लियर का मतलब है आपसे पहले। ओके, मैं आज काम पर आपसे पहले आया। जब भी आप आए, आप भी आए और मैं भी आया, लेकिन आपसे पहले आया। ओके, यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं आई गॉट टू वर्क 2 आवर्स अर्लियर देन यू। आपसे 2 घंटा पहले मैं काम पे आया, तो यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। टुडे आई गॉट टू वर्क अर्लियर मीन्स आई गॉट टू वर्क अर्ली यस्टरडे। कल मैं काम पे जल्दी गया था, बट टुडे आई गॉट टू वर्क अर्लियर। आज मैं और जल्दी आया हूँ। मीन्स अर्ली का कंपेरेटिव डिग्री है। चलिए तीसरा सेंटेंस देखते हैं। आई मेट हर अर्लियर टुडे मीन्स मैं उससे इससे पहले आज ही मिला हूँ। मीन्स मैं उसे आज ही मिला हूँ इससे पहले, ये मतलब है यहाँ पर। मीन्स टुडे इसलिए लगाते हैं ताकि उस अर्लियर को सीमित कर सकें। जैसे मैं कहता हूँ आई मेट हर अर्लियर, मैं उससे पहले मिला। अब से पहले कब, वो चाहे पास्ट में किसी भी टाइम तक जा सकता है, 1 साल 2 साल पहले, कभी भी। इसलिए उसको सीमित करने के लिए कि आज ही मिला और इस समय से पहले मिला। चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं। यू आर वॉचिंग दिस मूवी नाउ बट आई सॉ इट 3 ईयर्स अर्लियर। आज आप इस मूवी को देख रहे हो अभी, लेकिन मैं इसे 3 साल पहले ही देखा था। यहाँ पर एक प्रकार का कंपैरिजन है कि आप, हम एक टाइम का जिक्र कर रहे हैं और इस टाइम के पहले कोई काम हुआ, इसके लिए हम अर्लियर का यूज़ करते हैं। बिफोर द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, एंड इसके पहले की बात करेंगे तो वी कैन यूज़ अर्लियर टू टॉक अबाउट दैट। ओके, जैसे हम किसी को कहते हैं कि आज आप इस मूवी को देख रहे हो, मैं 3 साल पहले ही देख चुका था। ओके, तो इस तरीके से ये हुआ, यहाँ अर्लियर का यूज होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ आज आप इस मूवी को देख रहे हो, और सामने वाला कहता है आप कब देखे इस मूवी को, मैं कहता हूँ आई सॉ इट 3 ईयर्स अगो, तो यहाँ पर अगो का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अब से 3 साल पहले। लेकिन जब हम अर्लियर का यूज़ करते हैं, वहाँ पर एक कंपैरिजन होता है कि आज आप देख रहे हो, मैं 3 साल पहले ही देखा इसको। लेकिन ये बहुत ही माइन्यूट अंतर है इसमें। लेकिन आजकल लोग अगो का यूज करते हैं, अर्लियर का यूज़ इस तरीके से प्रेजेंट टाइम से पहले के अर्थ में यूज़ नहीं करते। जनरली पास्ट में किसी टाइम के पहले के अर्थ में यूज़ करते हैं। पास्ट में किसी घटना की बात हो और उससे पहले की बात हो, वहाँ पर अर्लियर का यूज़ करते हैं, और वहाँ बिफोर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यू सॉ दिस मूवी इन 2017, आपने इसे 2017 में देखा इस मूवी को। बट आई हैड सीन इट 3 ईयर्स अर्लियर, मैं इसे 3 साल पहले देखा था। मीन्स नॉट फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल पहले नहीं, 2017 से 3 साल पहले। ओके, 14, 15, 16, हमने 14 में देखा इस मूवी को। ओके, तो इस तरीके से आप बिफोर का भी यूज़ कर सकते हैं, आई हैड सीन इट 3 ईयर्स बिफोर। हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे वह अभी आपके साथ है, इससे पहले मेरे साथ थी। She is with you today. She is with you now. Earlier she was with me. पहले मेरे साथ थी। कहने का मतलब जितने समय से आपके साथ है, उस पीरियड के पहले वो मेरे साथ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।